शैली ही उनकी बुरी थी, उनका जो तरीका था, जो उनका अंदाज था, वही बुरा था और यही किसी को पच नहीं पा रहा था। शिक्षकों की बहाली का जो काम हुआ, ये सब क्या था? ये सब मीडिया का एक हाइप करने का तरीका था। कुछ अधिकारियों का कोई दबी इच्छा होती है कि वो मीडिया में हीरो बने, और सरकार भी उनका समर्थन कर रही थी, जितने उन्हें बहाली किया, आंकड़े को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। और एक देखिए, इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी ने 1975 में कानून बनाया था कि आप कोई संगठन यूनियन नहीं बना सकते, ताकि उन विरोध की आवाज को दबाया जा सके। उस कानून का सहारा लेकर के पाठक जी ने शिक्षकों पर ये प्रतिबंध लगा दिया कि आप कोई यूनियन नहीं बना सकते अपना। ये तो एक तरह का अघोषित इमरजेंसी उन्होंने लागू कर दिया था शिक्षकों के ऊपर में। तो मुझे लगता है कि शिक्षकों को आज खुशी मिली होगी, उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिली होगी। आरजेडी की अगर बात करें तो शिक्षा मंत्री भी लगातार गाहे बगाहे है उनको निशाने पर ले रहे थे। आरजेडी के जो नेता है वो भी लगातार इस बात को कह रहे थे कि शिक्षा विभाग में वो काम कर रहे हैं लेकिन उनकी कार्यशैली ठीक नहीं रही। क्या लग रहा है कि बाकी पार्टियों का भी दबाव जो है वो काम आया और सरकार ने उस बात को सुना और एक दबाव बनाने की कोशिश की गई और उसका परिणाम यह हुआ कि पद छोड़ना नीतीश कुमार जी पर, इस अधिकारी को बदलिए, इसके कारण से काम हो नहीं पा रहा है। सिर्फ मीडिया में शिक्षा विभाग चर्चित होकर रह गया था। यहाँ स्कूल का बिल्डिंग नहीं है, जहाँ बिल्डिंग है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ छात्र नहीं है। आज भी बिहार की सच्चाई यही है। पर सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट के कारण ये लोग मीडिया में शिक्षा विभाग को हाइप दिलवा रहे थे। भाजपा शुरू से दबाव बना रही थी कि इस तरह का काम बंद करिए, जेन्युइन काम करिए, और ऐसे अधिकारियों को जिनको मीडिया में छाने का इतना शौक हो उनको हटाइए, और ये हटे हैं आज। प्रेम रंजन पटेल जी, तो क्या के पाठक ना आरजेडी को पसंद थे ना बीजेपी को पसंद थे और कार्रवाई इस तरीके की होती या फिर दबाव इस तरीके का बनाया जाता है कि वो खुद परित्याग कर देते हैं अपने पद का? देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने कार्रवाई करने का काम किया, इसमें तो कहीं दो राय नहीं है कि शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार है, शिक्षा विभाग अराजक स्थिति में है, शिक्षा विभाग में जिस प्रकार से काम होना चाहिए था तो नहीं होता था, उसको सुधारने का काम उन्होंने जरूर किया था और उस पर कड़ाई करने का काम किया। शिक्षकों के ऊपर भी जो है समय से स्कूल में जाने का काम करें, पढ़ाने का काम करें, क्लास हो, बच्चों का जो है उनका समुचित विकास हो सके, इस काम को बाखूबी जो है उन्होंने किया। लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री एक तरफा करते थे, उन्हें अनैतिक कार्यों को रोकने का भी काम उन्होंने किया है, लेकिन व्यवहार उनका जिस प्रकार से था लोगों के साथ, अभी हाल में देखे डॉक्टर अजय कुमार एक बड़े सम्मानित व्यक्ति थे, उनके साथ किस प्रकार का भाषा कोई बयान उनके खिलाफ दिए थे। तो प्रेम रंजन पटेल जी, नीरज जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे ही एक सवाल है। नीरज जी, के पाठक की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी चहेते रहे और जिस तरीके से काम वो कर भी रहे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी जब भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि वो तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या दबाव हो जाता है या फिर ऐसी क्या परेशानी हो जाती है कि सरकार को ही फिर इस तरीके का फैसला या फिर ऐसे सिनेरियो जो है वो बनाने पड़ते हैं कि उनको अब पद से हटना पड़ता है? जी, मैंने शुरू में ही कहा कुछ अधिकारियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, उनमें से एक के पाठक भी रहे। अब इनकी बदजुबानी से सभी परेशान थे, किसी को ये अभी तो हमारे बस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं आपके साथ, प्रेम रंजन पटेल सर, उन्होंने कहा आपसे कि गाली गलौज, एक बिहार के वरिष्ठ चिकित्सक जो कि आईएमए के अध्यक्ष रहे हैं उनको किस तरह से टेलीफोन करके उन्होंने गाली दी है, ये सब बिल्कुल निंदनीय है, बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और नीतीश कुमार देखिएगा, इनको कहीं और लगाएंगे, ये अभी राजद पर प्रेशर बनाने के लिए इनको शिक्षा विभाग के थ्रू उन्होंने प्रेशर बनाया, इनका लगता है कि पूरा मसला सॉल्व नहीं हुआ, ये कहीं और कुछ दिन में लगाएंगे ताकि ये पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए प्रेशर बनाने का काम करें इंडी गठबंधन पर और राजद पर, यही काम नीतीश कुमार जी करते हैं। हेलो जी जी बिल्कुल, हम वही बातचीत कर रहे थे। तो चलिए प्रेम रंजन पटेल जी के पास भी आते हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, हमेशा चहेते अधिकारी अगर माने जाते हैं तो फिर ऐसी क्या नौबत आ जाती है सरकार पर भी कि उस तरीके के फैसले जो है वो लेने पड़ते हैं? और आप भी यही कह रहे हैं कि जो कार्यशैली थी वो उनकी ठीक नहीं थी, शिक्षा विभाग में सुधार हो ये ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है कि इस तरीके की कार्यशैली अपनाएं। सरकार को ध्यान में रखकर करके करना चाहिए था कि इस प्रकार की शैली तो विकास का होना चाहिए, काम करने की शैली होनी चाहिए, अगर जो है तो वहाँ गड़बड़ियां हैं तो गड़बड़ियों को ठीक करने की शैली होनी चाहिए,
लेकिन कोई भाषाई शैली जो है से उस प्रकार का हो कि व्यवहार गलत तरीके से किसी के साथ किया जाए, किसी के साथ गाली गलौज, किसी के साथ अव्यवहारिक तरीके से पेश आना, ये कहीं से उचित नजर नहीं आता है। सरकार को इसको पहले संज्ञान में लेना चाहिए था, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने सुधार करना किया काम किया था, अब कोई भी अधिकारी आएंगे तो वो दबाव में रहेंगे, उनको लगेगा कि मेरे साथ एक ही प्रकार का व्यवहार हो सकता है, मुझे छोड़ कर करके जाना पड़ सकता है, इसलिए कोई अब सुधारने का काम नहीं करेगा, अपना केवल खाना पूर्ति करेगा, अपने स्वयं रहकर कर करके उस विभाग का कोई जो ऐसे गड़बड़ियां है उसको ठीक करने का काम नहीं कर सकता है। मुझे लगता है सरकार को इसको संज्ञान में लेकर करके पहले उन सब चीजों को रख कर करके और उनके भाषाओं पर या उनके बोलचाल पर, उनके इस प्रकार के व्यवहार पर रोक लगाना चाहिए था, लेकिन सुधार का काम को जारी रखवाना चाहिए था। तो क्या बीजेपी ये मानती है कि अगर परित्याग उन्होंने किया है वो उन्होंने ठीक किया है, और शिक्षा विभाग को अगर के पाठक नहीं मिलते या फिर शिक्षा विभाग के साथ के पाठक नहीं रहते तो शिक्षा विभाग और तेज गति से आगे बढ़ेगा, ये आप मानते हैं? सरकार की विफलता है, सरकार का कंट्रोल नहीं रहा, सरकार बेछूट छोड़ दिया, जिसके कारण जैसे इस प्रकार का स्थिति उत्पन्न हुआ। अगर सरकार चाहती तो सुधार भी होता और व्यवहार भी जो है से लोगों के साथ जो है से उनके ठीक होते। अगर उनके साथ इस प्रकार का कर करके कि आप व्यवहारिक बनिए, आप व्यवहार ठीक रखिए, लोगों के साथ इस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग मत कीजिए, जो भी लोग हैं विभाग में काम कर रहे हैं, शिक्षक से लेकर करके अन्य पदाधिकारी, वो भी सम्मानित है। हाँ, जो काम नहीं कर रहे उनके साथ आप उस प्रकार का कार्रवाई कर सकते हैं, कड़ाई। चलिए, शुक्रिया प्रेम रंजन पटेल जी अपनी बात रखने के लिए। नीरज कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रजनीश, के पाठक किसी को पसंद